वेलकम फ्रेंड्स, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ते हैं। 2.5 mm का एक क्रोशिया लेंगे और मैजिक रिंग बनाएंगे। 3 चेन बनाकर 11 डबल क्रोशिया इसी रिंग में से बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए उनको एक बार क्रोशिया पर लपेटेंगे और 2 बार उसे पुल ऑन करेंगे। इस तरह से हमें मैजिक रिंग के सर्कल से 11 बार डबल क्रोशिया बनाना है, टोटल 12 टाइम। और फिर यहाँ पर उनको पुल ऑन करके एक स्लिप स्टिच लेनी है, जिससे कि ये सर्कल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस से एक डबल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट स्पेस में 2 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से पूरे सर्कल में हमें हर एक स्टिच से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है, यानी कि टोटल 24 डबल क्रोशिया बनकर यहाँ पर तैयार होंगे। और लास्ट में स्लिप स्टिच लेनी है, जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 24 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनानी है, सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया लेना है, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया लेना है, यानी एक स्टिच में 2 बार और दूसरे स्टिच में 1 बार, 2 1 2 1, इस तरह से 36 डबल क्रोशिया पूरे सर्कल में बनाकर हमें कंप्लीट करने हैं। और ये तीसरा सर्कल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में स्लिप स्टिच करके इसे ओवर करें और फिर से 3 चेन लें, सेम स्पेस में डबल क्रोशिया और फिर 2 बार 1 by 1 डबल क्रोशिया एक एक हम लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया सेम स्टिच में लेंगे, यानी कि 2 1 1 के फॉर्म में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल डबल क्रोशिया हमारे बन के तैयार होंगे 48। इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। एक बहुत ही सुंदर और अच्छा ट्यूटोरियल हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, इसे एंड में हम सिंगल एक लेने के बाद स्लिप स्टिच लेंगे और कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन लेकर सेम स्पेस में डबल क्रोशिया लेंगे और 3 बार 1 by 1 नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल डबल क्रोशिया लेने हैं, यानी कि 2 1 1 1 के जेम से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल सर्कल के डबल क्रोशिया हमारे 60 बनेंगे। पहले 2 बार, फिर 1 1 1 करके 3 बार हमें एक एक लेना है और ये पूरा सर्कल हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। सर्कल बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें काउंटिंग में, यह सर्कल बनकर आपका तैयार हो जाएगा। और इस तरह से अंत में स्लिप स्टिच लेकर इसे ओवर करेंगे। एक बार फिर 3 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में जो स्टिच है वहाँ पर 1 बार 2 बार, नेक्स्ट में 3 बार और फिर 1 बार, यानी 4th टाइम 1 1 1 लेने हैं। और 5th स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। और इस तरह से इस सर्कल को हमें कंप्लीट करके स्लिप स्टिच बनानी है। यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट हुआ, उनको कट कर देंगे
ऊन आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। रंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे इंसर्ट करने के लिए आप सुई या क्रोशिया की मदद से उनको इंसर्ट कर दें फिनिशिंग के लिए। साथ के साथ भी कर सकते हैं और लास्ट में भी आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से फिनिशिंग होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरे रंग की ऊन लेंगे। ये एक ब्यूटीफुल हमारा कोस्टर बनने जा रहा है, टेबल रनर भी आप कह सकते हैं। इसे जितना बड़ा चाहे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको चार चेन लेनी है और तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से चार चेन लेनी है और तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें चार चेन और तीसरे में सिंगल क्रोशिया से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। आप देख सकते हैं कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद एक स्लिप स्टिच ले लीजिए और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेना है और एक चेन बनानी है और नेक्स्ट स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें और फिर 14 चेन बनानी है। इस तरह से ध्यान से आप इस ट्यूटोरियल को देखिए। 14 चेन कंप्लीट करने के बाद हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को टर्न करना है और नीचे के भाग में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ध्यान से देख लीजिए आप। सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर से टर्न उसे करना है, सीधा कर देना है और जो रिंग बन के तैयार हुई उस रिंग में 20 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ध्यान रहे 14 की चेन बनाई, टर्न करके उसे सिंगल क्रोशिया एक राउंड बनाया और फिर 20 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें यहाँ पर। और 20 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे आगे बढ़ना है। इस पॉइंट को अब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। अब एक सिंगल क्रोशिया स्पेस में लेंगे नीचे और ये एक रिंग बनके तैयार होगी। अब नेक्स्ट स्पेस का जो सर्कल है वहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया हमें लेने हैं और फिर से यहाँ पर हमें 14 चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। 14 चेन आप यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कीजिए और फिर इसको टर्न कीजिए। नीचे का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया लीजिए, फिर से इसे टर्न कीजिए और इस पूरे सर्कल में 20 बार 20 टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 20 टाइम सिंगल क्रोशिया आराम से बनाइए, एक समान बनाइए क्योंकि ये फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर यहाँ पर रिंग छोटी बड़ी होगी तो उसकी फिनिशिंग फिर अच्छी नहीं आएगी। 14 चेन जो आप बनाते हैं वो भी एक समान लीजिए और सिंगल क्रोशिया भी एक तरह से हमें बनाते जाना है, जिससे कि ये ट्यूटोरियल लास्ट में बनके एकदम अच्छे से कंप्लीट हो सके। इस तरह से फिर
स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्पेस में दो डब यानी कि दो बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह के राउंड बनेंगे और ये राउंड हमें पूरे सर्कल के जो स्पेस हमने बनाए थे वहाँ पर बनाकर हमें कंप्लीट करने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कोस्टर बनके तैयार होगा। कोई भी बिगिनर्स या क्रोशिया चलाने वाले व्यक्ति कोई भी इसे बना सकते हैं। गृहिणी हैं या स्टूडेंट्स हैं या आप कुछ सीख रहे हैं तो उस समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ इसे टर्न करते समय जो सिंगल क्रोशिया बनाना है उस पॉइंट को ध्यान में रखना है और फिर सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। इतने पॉइंट्स ही हमें इस पूरे ट्यूटोरियल में ध्यान में रखने हैं और इस तरह से रिंग हमें हर एक स्पेस में बनाकर तैयार करनी है। और लास्ट में जब हम लास्ट रिंग बनाते हैं वहाँ पर जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वह आप देखेंगे कि 14 चेन बनाने के बाद हमें इसे टर्न करके जॉइंट नहीं करना है बल्कि ओपन रखना है, क्योंकि ये लास्ट चेन है और लास्ट चेन को हम सीधा ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे नीचे हम जॉइंट नहीं करेंगे, जो टर्न करके हम नीचे जॉइंट कर रहे थे अभी तक वो हम इसे जॉइंट नहीं करेंगे, टर्न करेंगे पर सिर्फ हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे छोड़ देंगे। अब एक राउंड लें और दूसरे राउंड को एक ट्रिक से इसमें से निकाल लें, सीधा करके 1 by 1 हर एक रिंग को एक दूसरे में से हमें निकालते हुए आगे बढ़ना है और एक चोटी जैसा, एक चेन जैसा यहाँ पर आकार बनके तैयार होगा। एक दो बनाने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी पर 2-3 चेन एक दूसरे में आप इंसर्ट कर देंगे तो फिर एकदम इजी हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से पहली 1-2 डालने में थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूज़न होता है पर फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधी सीधी फिर चेन एक दूसरे में डालते हुए चले जाइए तो ये एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल चेन बॉर्डर पे बनके तैयार हो जाती है। ये कोस्टर बहुत इजी है और ऑफिस में, घर में डाइनिंग टेबल पर या राइटिंग टेबल पर इसकी बहुत ही उपयोगिता है। देखने में सुंदर लगता है, कंफर्टेबल है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम साथ मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से अभी जो लास्ट का एक सिंगल है उसे दूसरे चेन में से निकाल कर फिर इसे इस तरह से नीचे की तरफ करके टांग देना है। क्रोशिया से ही हमें जो कार्य हमें पहले करना था वो अब यहाँ पर हमें लास्ट में करना है और इस तरह से इसके 3 बार स्टिच ले लेंगे जिससे कि एकदम कंफर्टेबल ये बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट में एक स्लिप स्टिच लेकर इसे ओवर कर दें और उनको कट कर दें। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ऊन बची है इसे आप कट कर सकते हैं, सुई की मदद से इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं और अब हाथ से थोड़ी सी इस चेन को फिनिशिंग कर लीजिए और फिर इस तरह से आप थोड़ा सेट कर लीजिए इसे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके और भी वीडियो के साथ हम
मिलते रहेंगे। बहुत उपयोगी ये क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि मैं नए नए तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।